नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की याचिका की खारिज। राज्य बिक्री कर विभाग ने नोटिस को दी थी चुनौती। अभिनेत्री ने परफॉर्मर राइट का दिया हवाला। मामलों के निपटान के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट अव्वल। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का दावा। टाटा ट्रस्ट जारी करता है रिपोर्ट। इसरो के एक हाथ एक और बड़ी उपलब्धि। आरएलवी एलईएक्स का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आना हुआ आसान। दवाओं के निजी आयात पर सीमा शुल्क से मिलेगी छूट। 1 अप्रैल से लागू की घोषणा। गरीबों को राहत देना है मकसद। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे। 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। बाघों की घटती आबादी को रोकना था मकसद। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीते दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर से जुड़े एक मामले में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर कानून के तहत वर्ष 2012 से 2016 के लिए उनसे कर की मांग की गई थी। राज्य बिक्री कर विभाग के इस नोटिस को अनुष्का शर्मा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। असल में मझगांव बिक्री कर उपायुक्त ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत एक नोटिस भेजा। इसमें अनुष्का शर्मा द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त 12.3 करोड़ रुपए की आय पर 1.2 करोड़ रुपए का ब्याज सहित बिक्री कर लगाया गया था। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त 17 करोड़ रुपए पर 1.6 करोड़ रुपए टैक्स लगाया गया था। ये धन अभिनेत्री द्वारा प्राप्त अवार्ड शो, प्रदर्शन और विज्ञापनों के माध्यम से कमाया गया। कर विभाग का तर्क है कि अभिनेत्री ने ये कमाई एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत की है। ऐसे में अभिनेत्री के पास उनके सभी कलात्मक पक्षों पर कॉपीराइट का पहला मालिकाना हक है। समझौतों के माध्यम से इन अधिकारों को बेचना बिक्री करके दायरे में आएगा, न कि केवल आयकर के रूप में। इस पर अभिनेत्री का तर्क है कि उनके पास किसी फिल्म का कॉपीराइट नहीं, बल्कि उनका परफॉर्मर राइट है। उनका मानना है कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38 और 38A के तहत परफॉर्मर राइट हासिल किए हैं और इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। नतीजतन बिक्री कर देने के लिए वो पक्ष जिम्मेदार होगा जिसने उन्हें परफॉर्मेंस करने के लिए हायर किया था। गौरतलब है कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 में परफॉर्मर राइट का प्रावधान नहीं था। साल 2012 में कानून में संशोधन कर इस अधिकार को शामिल किया गया। इसके तहत जब एक कलाकार किसी भी प्रदर्शन जैसे गीत, फिल्म या साहित्यिक कार्य में संलग्न होता है तो उसका अधिकार संबंधित व्यक्ति के पास 50 वर्षों तक बना रहता है। इसकी खास बात यह है कि इन अधिकारों को अनुबंध द्वारा छोड़ा या कम नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि परफॉर्मर्स के अधिकारों को अनुबंध के माध्यम से बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण को हरी झंडी दे दी है। साथ ही मीडिया वन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत का कहना है कि सरकार की नीतियों पर चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी जरूरी है। अदालत का तर्क है कि मीडिया चैनल संचालित करने की अनुमति का नवीनीकरण न करना प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। इसे केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित आधारों पर ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने प्रेस की स्वतंत्रता पर विस्तारपूर्वक बात करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य की मजबूती के लिए एक स्वतंत्र प्रेस का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालती है। दरअसल बीते साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया वन टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। साथ ही चैनल के लाइसेंस के नवीनीकरण को मंजूरी देने से भी इनकार कर दिया था। लाइसेंस नीति के मुताबिक प्रत्येक चैनल को देश में प्रसारण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी लेनी होती है। सुरक्षा मंजूरी 10 साल की अवधि के लिए वैध होती है। इसके बाद मीडिया वन ने केरल हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी। इस पर केरल हाईकोर्ट ने मीडिया वन टीवी की याचिका को खारिज कर सरकार के फैसले को सही करार दिया था। इसके बाद मीडिया वन टीवी ने केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसका मकसद भारत में न्याय वितरण की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करना है। रिपोर्ट को पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि भारतीय अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या उनकी स्वीकृत संख्या से बहुत कम है। इसके अलावा न्यायालयों में मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि मुकदमों की बढ़ती संख्या के बीच न्यायाधीशों की संख्या में कमी के कारण प्रति न्यायाधीश केस की संख्या में वृद्धि हो रही है।
रिपोर्ट में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक सबसे ऊपर है, यानी मामलों के निपटान के मामले में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे निचले स्थान पर है। वहीं 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पर है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत की जेलों में बंद केवल 22% लोग ही सजा प्राप्त मुजरिम हैं, जबकि लगभग 77% बंदी विचाराधीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के मुकाबले 2021 तक विचाराधीन कैदियों की संख्या 2.4 लाख से बढ़कर 4.3 लाख पहुंच चुकी है, जो लगभग दोगुनी है। आपको बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट साल 2019 में पहली बार जारी की गई थी। रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। ये रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों यानी पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर जानकारी मुहैया कराती है। हाल ही में IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने नई कोयला परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। IFC ने यह निर्णय पेरिस समझौते के मद्देनजर लिया है। दरअसल साल 2020 में IFC ने एक नीति का अनावरण किया था, जिसमें दुनिया भर के देशों को साल 2025 तक कोयला परियोजनाओं के लिए अपने जोखिम को कम करने की बात कही गई है। साथ ही साल 2030 तक इसे शून्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। हालांकि IFC ने नए निवेश को नहीं रोका था, इस वजह से विभिन्न देशों ने कोयला परियोजनाओं को जारी रखा था। जानकारों की माने तो IFC के इस नए निर्णय से भारत की ऊर्जा संबंधी परियोजनाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि भारत आज भी लगभग 75% ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए कोयले पर निर्भर है। हालांकि इसका एक सकारात्मक पक्ष ये होगा कि इससे भारत ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों पर निर्भरता बढ़ाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक IFC भारत में लगभग 88 वित्तीय संस्थानों को करीब $5 बिलियन का कर्ज मुहैया करा चुका है। गौरतलब है कि पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है। इसे साल 2015 में दुनिया भर के करीब सभी देशों द्वारा अपनाया गया था। वहीं भारत ने अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटना है। इसके अंतर्गत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है, ताकि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह की एक इकाई है। इसका गठन जुलाई 1956 में हुआ था और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ये संगठन विकासशील देशों में बिना किसी सरकारी गारंटी के निजी उद्योगों को ऋण मुहैया कराता है। साथ ही ये इन देशों में अतिरिक्त पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करता है। इस तरह IFC विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन में सुधार करता है। बीते दिनों मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड में संपन्न हुआ। सम्मेलन 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक चला। इस तरह के पहले सम्मेलन को IUCN, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहित कई अन्य संस्थाओं की मदद से आयोजित किया गया। सम्मेलन का मकसद मानव वन्यजीव संघर्ष पर काम करने वाले लोगों और संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना है, साथ ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या वैश्विक नीतियों और पहलों पर एक साथ काम करने हेतु अवसर उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि मानव वन्यजीव संघर्ष ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां परस्पर हितों के लिए खतरा पैदा होता है। नतीजतन मानव, जानवर और उनके आवास एवं संसाधन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके चलते जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। संघर्षों के कारणों पर नजर डालें तो जानवरों के प्राकृतिक आवास का नुकसान, जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि, भोजन और चारे का अभाव, मनुष्यों का जंगलों की ओर प्रसार आदि इसके प्रमुख कारण हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक संघर्ष से संबंधित मौतों ने दुनिया भर की 75% से अधिक जंगली बिल्ली की प्रजातियों को प्रभावित किया है। मानव वन्यजीव संघर्ष के क्रम में भारत में हाथियों ने 3 वर्षों में लगभग 1500 लोगों को मार डाला। इसमें सबसे अधिक मौतों के साथ ओडिशा सबसे ऊपर है। इसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। बीते दिनों इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। RLV-LEX यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इसरो ने इस परीक्षण को कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पूरा किया। परीक्षण में चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। पहले से RLV को हेलीकॉप्टर की मदद से लगभग 4.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ले जाया गया, फिर मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर कमांड के तहत इसे नीचे छोड़ा गया। इसके बाद RLV ने ऑटोनॉमस मोड में सफलतापूर्वक जमीन पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। दरअसल रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऐसे रॉकेट को कहा जाता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से वापस आने में सक्षम होता है। नतीजतन इनका प्रयोग कई बार करना संभव होता है। आने वाले समय में इसरो इसकी मदद से अपना स्पेस शटल तैयार कर सकेगा और साथ ही भविष्य में स्पेस टूरिज्म का भी मार्ग खुल सकता है।
गौरतलब है कि चिनूक एक मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, तोपखानों, उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। साथ ही मानवीय और आपदा राहत कार्यों और शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निकासी जैसे मिशनों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर लगभग 10 टन भार ले जाने में सक्षम है। चिनूक को भारतीय वायुसेना में साल 2019 में शामिल किया गया था। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना परचम लहराया है। बीते दिनों स्काईरूट एरोस्पेस ने 200 सेकंड की अवधि के लिए अपने 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन का परीक्षण किया। इस मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा केंद्र में किया गया। कंपनी ने इस इंजन को अपने भारी वाहन विक्रम 2 के लिए विकसित किया है। धवन 2 इंजन स्काईरूट के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट धवन 1 का अपडेटेड वर्जन है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण नवंबर 2021 में किया गया था। पिछले साल धवन 1 इंजन की मदद से विक्रम एस की लॉन्चिंग की गई थी, जो अपने साथ 3 ग्राहक पेलोड ले गया था। इसी के साथ इसने देश के पहले निजी रॉकेट का दर्जा हासिल किया था। आपको बता दें कि विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल वो वाहन है जो कक्षीय वेग की तुलना में धीमी गति से यात्रा करते हैं। इसका अर्थ है कि ये बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेज हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में बने रहने के लिए पर्याप्त तेज नहीं हैं। गौरतलब है कि स्काईरूट इस साल के अंत तक अपनी पहली कक्षीय उड़ान भरने की योजना बना रहा है। इसके उड़ान के लिए कंपनी द्वारा विक्रम 2 रॉकेट का प्रयोग किया जाना है। जानकारों का कहना है कि ये उड़ान कंपनी को दक्षिण एशिया की पहली निजी लॉन्चर कंपनी बना देगी। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों की दवा पर बड़ी राहत दी है। इसके लिए आयातित दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। दुर्लभ बीमारियों की दवाओं के साथ साथ सरकार ने कैंसर इम्यूनोथेरेपी दवा कीट्रूडा से भी सीमा शुल्क हटा दिया। सीमा शुल्क में इस छूट को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी से राहत के अलावा सरकार ने उत्कृष्टता केंद्रों में किसी भी प्रकार की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। इससे पहले राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत सूची 1 में शामिल दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों को 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान था। आपको बता दें कि सूची 1 के तहत ऐसे रोगों को शामिल किया जाता है जिसके लिए एक बार के उपचार की आवश्यकता होती है, जबकि सूची 2 में दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है। वहीं सूची 3 में ऐसे रोग आते हैं जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है, लेकिन लाभ के लिए सबसे जरूरतमंद रोगी का चयन करना चुनौतीपूर्ण है। इन दवाओं पर आमतौर पर 10% का सीमा शुल्क लगाया जाता है, जबकि कुछ टीकों या दवाओं पर पहले से अधिसूचित 5% या 0 सीमा शुल्क लगाया जाता है। हालांकि स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी और ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए दवाओं को पहले से ही सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी दवाओं को आयात करने वाले लोगों को केंद्रीय महानिदेशक, उप महानिदेशक या स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महानिदेशक, राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कस्टम क्लियरेंस के समय सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक उपायुक्त को इस प्रमाण पत्र को देना होगा। यदि प्रमाण पत्र कस्टम क्लियरेंस के समय संबंधित व्यक्ति के पास नहीं है तो एक निश्चित समयावधि में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। जमा न किए जाने की स्थिति में सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि दुर्लभ रोग एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है जहां सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं। वर्गीकृत दुर्लभ बीमारियों की संख्या लगभग 6000 से 8000 है, लेकिन सिर्फ 5% से भी कम का उपचार उपलब्ध है। हाल ही में ISA यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने समुद्र तल में खनन करने वाली कंपनियों से परमिट आवेदन लेने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत जुलाई में होगी। ISA ने इस संबंध में एक मसौदा भी तैयार किया है जिसे अभी लागू होना बाकी है। इसके तहत 4 से 6 किलोमीटर की गहराई पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स नामक चट्टानों से प्रमुख बैटरी सामग्री निकालने के लिए खनन किया जाएगा। असल में समुद्र के नीचे गहरे पानी में तलछट जमाव को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड अवक्षेपित होते हैं, जिन पर निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम, मैंगनीज और रेयर अर्थ मेटल जैसी धातुएं मौजूद होती हैं। ये प्रचुर मात्रा में हवाई और मेक्सिको के बीच उत्तरी प्रशांत महासागर में क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि ISA यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का गठन 16 नवंबर 1994 को किया गया था। ये एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है। ISA राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में खनन संबंधी गतिविधियों के आयोजन, नियंत्रण और विनियमन के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय जमैका में स्थित है। वहीं UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का गठन इसी कन्वेंशन के तहत किया गया था। ये विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है, साथ ही समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए भी नियमों का निर्धारण करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे साल 1982 में स्थापित किया गया था, लेकिन नवंबर 1994 में इसे लागू किया गया।
भारत ने साल 1995 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। बीते दिनों बांदीपुर नेशनल पार्क ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में अपने 50 साल पूरे किए। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिला था। साल 1985 में वेणुगोपाला वन्य जीव पार्क से सटे क्षेत्रों को शामिल कर इसके क्षेत्रफल का विस्तार किया गया। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तब यहाँ बाघों की संख्या 12 थी, लेकिन संरक्षण उपायों के बाद बाघों की संख्या इस रिजर्व में 126 आंकी गई है। ये कर्नाटक के दो जिलों मैसूर और चामराजनगर में फैला हुआ है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट पर्वत जैव विविधता वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साल 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद देश में बाघों की घटती आबादी पर रोक लगाना था, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान कर उनका संरक्षण करना था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना साल 2006 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, परफॉर्मर राइट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कॉपीराइट अधिनियम 1957 में परफॉर्मर राइट का प्रावधान नहीं था। दो, वर्ष 2012 में कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन कर इस अधिकार को शामिल किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, केवल एक एवं दो या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पहली बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को वर्ष 2019 में जारी किया गया था। दो, इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। तीन, यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर जानकारी प्रदान कराती है। चार, इसका मकसद भारत में न्याय वितरण की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक एवं चार, केवल दो एवं तीन, केवल एक एवं दो या फिर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह की एक इकाई है। दो, इसका गठन जुलाई 1956 में हुआ था। तीन, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। चार, यह संगठन विकासशील देशों में बिना किसी सरकारी गारंटी के निजी उद्योगों को ऋण मुहैया कराता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल एक एवं दो, केवल दो एवं तीन या फिर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का गठन 16 नवंबर 1994 को किया गया था। दो, यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है। तीन, इसका मुख्यालय जमैका में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल एक एवं दो, केवल एक एवं तीन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। दो, इसकी स्थापना वर्ष 2006 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, केवल एक एवं दो या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाल ही में फिनलैंड नाटो का सदस्य देश बन गया है। इसके बाद नाटो के सदस्यों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। दरअसल फिनलैंड रूस के साथ करीब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में असुरक्षा की भावना बढ़ना स्वाभाविक था। हालांकि नाटो में शामिल होने से पहले फिनलैंड गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था। बता दें कि नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक संगठित रक्षा संधि के रूप में गठित किया गया था। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने यह कटौती
बढ़ती ब्याज दरों और आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार को देखते हुए की है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्ते तानो कोआमे का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत लचीली है और किसी भी तरह के बाहरी आर्थिक झटकों को झेलने में सक्षम है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी दर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.6% रहने की घोषणा की थी। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 23 का आयोजन कोलंबो में किया जा रहा है। यह अभ्यास बीती 3 अप्रैल को शुरू हुआ था। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 10वां संस्करण है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन, स्वदेशी कामोर्टा क्लास, ASW कॉर्वेट तथा INS सावित्री और एक अपतटीय गश्ती पोत द्वारा किया गया है। वहीं श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व SLNS गजबाहु और SLNS सागर द्वारा किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और आपसी समझ को बेहतर बनाना इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। गौरतलब है कि स्लाइनेक्स का पिछला संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया के अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर इसमें फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 83.4 अरब डॉलर है। वहीं अगर उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी गौतम अडानी की बात की जाए तो वे इस सूची में 24वें स्थान पर आ गए हैं। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी के कंपनी के शेयरों की कीमत में तेजी से गिरावट आई थी। हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। यह आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा असम सरकार के तत्वाधान में काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसे प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता के 30 साल पूरा होने की खुशी में मनाया गया है। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकना और उनके गलियारों तथा आवास की रक्षा करना है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाथियों और उनकी प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए 1991 से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। हाल ही में लद्दाख की पश्मीना ऊन को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद इस ऊन के पेशे में लगे लोगों को ऊन की सही कीमत प्राप्त हो सकेगी, जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। बता दें कि पश्मीना ऊन चांगथांगी बकरी से प्राप्त की जाती है। ये बकरियां -20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में भी जीवित रह सकती हैं। इन बकरियों को चांगपा समुदाय के खानाबदोश लोग पालते हैं। एक सीजन में प्रत्येक बकरी से लगभग 300 से 400 ग्राम पश्मीना ऊन मिलती है। गौरतलब है कि लद्दाख विश्व में सर्वाधिक यानी लगभग 50 मीट्रिक टन और सबसे उन्नत किस्म की पश्मीना का उत्पादन करता है। आज यानी 8 अप्रैल को चेन्नई स्थित रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बता दें कि इस मठ की शुरुआत स्वामी रामकृष्णानंद द्वारा वर्ष 1897 में की गई थी। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संगठन है। इसके सदस्य विभिन्न रूपों में मानवतावादी और सामाजिक सेवा से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं। हाल ही में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में शामिल हो गया है। ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सूची में इसे दुनिया के 9वें स्थान पर रखा गया है। ACI के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली इसने साल 2022 में लगभग 5.95 करोड़ यात्रियों को संभाला था। गौरतलब है कि यह हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके साथ ही ACI के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र हवाई अड्डा बन गया है। हाल ही में भारतीय मूल की सिंगापुर की अभिनेत्री अंजना वासन को प्रतिष्ठित ओलिवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वासन को यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में प्रदान किया गया है। उन्हें यह खिताब टेनेसी विलियम्स के नाटक ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के रिवाइवल में स्टेला कोवाल्स्की की भूमिका के लिए प्रदान किया गया। बता दें कि इस पुरस्कार कार्यक्रम को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था।
इस बार यह ओलिवियर अवार्ड्स का 47वां संस्करण था। गौरतलब है कि इस अवार्ड का वास्तविक नाम सोसाइटी ऑफ वेस्ट एंड थिएटर अवार्ड्स है, लेकिन दिवंगत हो चुके प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता लॉरेंस ओलिवियर के नाम पर इसे ओलिवियर अवार्ड कहा जाने लगा। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। सांख्यिकी आयोग अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली सर्वोच्च संस्था है और यह इस क्षेत्र में मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। वहीं मादक पदार्थ रोकथाम आयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने पर निगरानी रखता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।